अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुमान में रखे। दोस्तों IBPS 5 to 15 की ओर से बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ चुकी है। इंटरमीडिएट कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो परेशान थे कि हमारा सर्टिफिकेट कब आएगा, और हमने आपको बताया था कि चंद दिनों के अंदर यानी एक वीक के अंदर आपका ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो फाइनली IBA ने आपके जो है वो इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोसीजर जारी कर दिया है। अब आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आप किस तरह से कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर आप आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोजाना अथेंटिक जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू कर दें दोस्तों। IBPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं जिसी तरह से आप जो है वो ग्रेजुएशन का डाउनलोड थे। तो आपने यही तरीका जो है वो बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल के ऊपर आना होगा। गूगल के ऊपर आके यहाँ पे आपने लिखना होगा STS, आपने लिखना होगा। यहाँ पे जो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप आते रहते हैं apply.sts.net.pk, इसके ऊपर आना होगा। और इसके ऊपर आप जानते हैं कि यहाँ पे आपने CNIC डालना होता है, और उसके बाद आपने पासवर्ड डालना होता है जो भी आपका हुआ है। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके आपको मोबाइल के ऊपर नया पासवर्ड आएगा, नया सेट करेंगे तो दोबारा आप लॉगिन वगैरह हो जाएंगे। तो इसके अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए, आप लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होगा, जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके पास इस तरह से आपका जो मेन्यू होगा उसके अंदर आपको इस तरह से प्रोजेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जिसके अंदर एक्टिव प्रोजेक्ट्स, माई प्रोफाइल, अप्लाइड एप्लीकेशन वगैरह, डाउनलोड वगैरह यहाँ पे, और सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि इसी जगह पे आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन जो है वो शो होगा, और उसी तरह ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो सर्टिफिकेट के ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह से सर्टिफिकेट का जो है वो आपकी विंडो आ जाएगी, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपका रिज़ल्ट वगैरह शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अपडेट योर करंट पोस्टल एड्रेस, यानी आपने जो फॉर्म वगैरह भरा था उसके अंदर आपको एड्रेस वगैरह जो भी था आपका एग्जैक्ट था, लेकिन अब जो है वो आप यहाँ पे कहाँ पे ये सर्टिफिकेट जो है वो मंगवाना चाहते हैं, आपकी करंट लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये आप मंगवाना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर अपना करंट एड्रेस जो है वो यहाँ पर डालना होगा, और उसके बाद यहाँ पर ब्लैक बटन आप देख रहे हैं कि इसको आपने अपडेट करना होगा। अपडेट करेंगे तो आपका ये जो है वो सेट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो डाउनलोड चालान के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। डाउनलोड चालान के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये चालान जो है वो आप अलाइड बैंक या MCB बैंक के अंदर जिस तरह से आप अप्लाई किया था ग्रेजुएशन कैटेगरी वगैरह उसके अंदर आपने अप्लाई किया था जब फॉर्म भरा था, उसी तरह से ये चालान आपने जो है वो इसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई, आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर CNIC वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई, ये आपने जो है वो बैंक के अंदर भरना होगा, अलाइड बैंक या आपने MCB बैंक के अंदर यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा ये कि आपके जब ये चालान आप भर लेंगे बैंक के अंदर, उसके तकरीबन 6 घंटे के बाद आपको यहाँ पे जो है वो चालान, आपको जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन नज़र आना शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोड भी कर सकेंगे, प्रिंट भी करवा सकेंगे, और वो जो आपने एड्रेस दिया था उसके ऊपर आपके तकरीबन यहाँ पे 6 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर आपका जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो आपके घर के ऊपर भी आ सकता है। यानी मसला ये है कि आप जब चालान भरेंगे तो उसके बाद ही आपको 6 घंटे के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट शो होगा ऑनलाइन, और आप डाउनलोड भी कर सकेंगे, और उसके बाद 6 दिन के अंदर तकरीबन जो है वो आपका सर्टिफिकेट आपके घर के ऊपर भी यहाँ पर आ जाएगा।